हेलो एवरीवन, माय सब्जेक्ट इज़ पैथोफिजियोलॉजी एंड टुडे टॉपिक इज़ हेपेटाइटिस डी। ठीक है, ये आपके यूनिट फोर्थ का फर्स्ट पोर्शन चल रहा है, आईबीडी और उसकी डिसीज़, लिवर डिसीज़। ठीक है, उसमें अभी तक आपने हेपेटाइटिस का इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स आपने सी तक पढ़ लिए। अब आपका आता है हेपेटाइटिस डी। ओके, हेपेटाइटिस डी इज़ कॉज बाय हेपेटाइटिस डी वायरस। हेपेटाइटिस डी जो है वो किससे होता है, वो आपका हेपेटाइटिस डी वायरस से होता है। इट इज़ अ डिफेक्टिव वायरस डैट कैन नॉट रिप्लिकेट बाय इट्स ओन। ये ऐसा वायरस है कि अपने आप ही रेप्लिकेट नहीं हो सकता है। ओके, इट रिक्वायर हेल्पर वायरस। इसको एक हेल्पर वायरस की ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू ये आपका रेप्लिकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन होते हैं। बाकी सारे वायरस खुद पे खुद, उनमें ये एबिलिटी होती है कि खुद पे खुद अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बट ये वाला वायरस खुद पे खुद रेप्लिकेट नहीं हो पाता है। तो इसको हेल्पर वायरस की ज़रूरत पड़ती है। वो हेल्पर वायरस आपका कौन सा है, वो आपका हेल्पर वायरस हेपेटाइटिस बी वाला है। ओके, बिकॉज इसके बहुत सारे सिम्टम्स और इसका काफ़ी कुछ आपका हेपेटाइटिस बी से मैच करता है, और ये पेरेंटली थ्रू होता है। जैसे वो आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होता था, ये भी ऐसे ही ट्रांसमिट होता है। ओके, HBV प्रोवाइड द फ्री HBsAg पार्टिकल टू बी यूज एज ए एनवलप। मतलब आपको वो जो आपका हेपेटाइटिस बी वायरस है, वो ये वाला आपका एंटीजन प्रोवाइड करता है, जैसे एज ए एनवलप यूज़ करता है ये। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ स्मॉल SS RNA जीनोम। ये किससे मिलके बना होता है, ये आपका SS RNA जीनोम से मिलके बना होता है। सॉरी, मतलब हाँ, इसका इसमें ये चीज़ होती है, और बाकी सब किस पे, बस हेपेटाइटिस बी वाला जो वायरस है वो DNA पे वो आपका डिपेंड रहता है, या आपका RNA जीनोम पे डिपेंड रहता है। तो ये इसका जस्ट इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन है हेपेटाइटिस डी का। अब हेपेटाइटिस डी में दो इम्पॉर्टेंट टर्म आती हैं, को इन्फेक्शन एंड सुपर इन्फेक्शन। ठीक है, तो को इन्फेक्शन क्या है, द पेशेंट इज़ इन्फेक्टेड विद HBV, मतलब हेपेटाइटिस वी वायरस से इन्फेक्टेड है और हेपेटाइटिस डी वायरस से इन्फेक्टेड है पेशेंट एट द सेम टाइम, लीडिंग टू सीवियर एक्यूट हेपेटाइटिस। मतलब एक ही टाइम पर उसे दोनों वायरस हैं उसके अंदर, तो वो आपका को इन्फेक्शन होगा। और सुपर इन्फेक्शन में क्या है, इन दिस केस डेल्टा वायरस इन्फेक्ट दोज हु आर ऑलरेडी हैव क्रोनिक हेपेटाइट बी, लीडिंग टू सीवियर क्रोनिक हेपेटाइटिस। मतलब जिसको हेपेटाइटिस बी वाली कंडीशन है ना, वो आपका और ज़्यादा उसको क्रोनिक कंडीशन में डेवलप करेगा, तो वो आपका सुपर इन्फेक्शन है। ठीक है, ये दो शॉर्ट टर्म है आपकी हेपेटाइटिस डी में। अब आते हैं कॉजेज, मतलब हेपेटाइटिस डी आपका हुआ कैसे। तो इट कैन बी थ्रू इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड। अगर मदर को है तो ऑब्वियसली बात है वो उसके बेबी में भी आएगा। विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड का ट्रांसमिशन, मतलब अगर किसी पेशेंट को है, अगर हम उसका ब्लड किसी और को चढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से, ड्यूरिंग ऑपरेशन थिएटर्स में अगर किसी और का ब्लड बाय चांस किसी कॉन्टैक्ट में आ जाता है जो इन्फेक्टेड है, उस केस पे थ्रो इंसेक्ट्स बाइट, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनसे किसी को एलर्जेंस का वर्क करते हैं, तो उनके थ्रो भी, या फिर कुछ और आपको पॉइजनस सब्सटेंस, इंसेक्ट बाइट्स, या फिर कोई और आपका पॉइजन सब्सटेंस की वजह से भी आपका हो सकता है। तो ये आपके हो गए कॉजेज एंड कुछ आपकी शॉर्ट टर्म हेपेटाइटिस डी की। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है साइन सिम्टम्स, हेपेटाइटिस डी के साइन सिम्टम्स। बिकॉज ये हेपेटाइटिस बी से काफ़ी कुछ सिमिलर है, तो उसके जैसे इसके साइन सिम्टम्स हुए, एब्डोमिनल पेन वाली कंडीशन रहेगी आपको, डार्क यूरिन आएगा बिकॉज उसमें हेपेटाइटिस, आपके जो हेपेटोसाइट जो सेल्स हैं वो आपके डैमेज हो जाएंगे, जिससे आपका ब्लूरबिन डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होगा, ब्लड से वो थ्रू यूरिन आपका एक्सिट होगा, तो यूरिन का कलर आपका डार्क हो जाएगा, फीवर रहेगा, जॉइंट पेन रहेगा, लॉस ऑफ एपिटाइट, प्रॉपर तरीके से अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा खाने का, डाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो आपको भूख कम लगेगी, वो कंडीशन रहेगी, जॉइंटिक्स कंडीशन, पीलिया वाली कंडीशन आपको रहेगी, जॉइंटिक्स कंडीशन आपको हेपेटाइटिस का अर्ली फेज होता है, तो इससे आपको पहले उसको ट्रीट कर लेना चाहिए। इसका एक्टिवेशन पीरियड होता है 2 to 12 weeks। इस कंडीशन में ही आप वायरस जो है मल्टीप्लिकेशन करके साइन सिम्टम्स शो कराता है बॉडी में। तो ये आपके हो गए साइन सिम्टम्स किसके, हेपेटाइटिस डी के।